गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू दी फिफ्थ लेक्चर बाय टेक्निकल क्लासेस मोहिउद्दीन। शुरू करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को फीडबैक्स दिखाना चाहूँगा। एकाग्रता गुप्ता ने कितना प्यारा ये कोडिंग की है, वेरी गुड एकाग्रता। प्रथम वेरी गुड, शयान वेरी गुड, अच्छा आपने, बहुत अच्छा आपने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। नव्या सक्सेना क्लास सेवन्थ वेरी गुड, एंड वी हैव शुभी, शगुन गुड। और ऐसे ही आप लोग भी अगर जब कोडिंग करें और हम लोगों को भेजें, हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी अगर प्रोग्राम अच्छा लगेगा तो उसको शो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो कि है फिफ्थ लेक्चर। चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टाइल, फॉन्ट कलर, साइज, फैमिली। ये फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फैमिली, ये सब बिलोंग करता है आपके पैराग्राफ टैग के लिए, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसको बेसिकली हम CSS भी कहते हैं। अब आप लोगों की वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टाइल एक ऐसा टैग है, CSS का टैग कहलाता है। ये ऐसा टैग है जो आपके टेक्स्ट की अपीयरेंस को, जैसे अब आपने पैराग्राफ में कुछ लिखा तो उस पैराग्राफ की अपीयरेंस को आपको चेंज करना है, तो उसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं स्टाइल। आगे बढ़ते हैं कलर। अब आपको अपने पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपने जो लिखा है, जैसे आपने लिखा दिस इज माई नेम, तो आपको दिस इज माई नेम को अगर कलर देना है तो फिर आप कैसे देंगे। ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो उसकी खासियत और बढ़ा देते हैं। अब जैसे इसका सिंटेक्स आता है P स्टाइल कलर सेमी कोलन और फिर हम डबल कोलन, फिर हम लिखते हैं रेड और इसको बंद कर देंगे। कोई सा भी कलर ले सकते हैं आप, और क्योंकि ये कंटेनर टैग है तो आप पी को क्लोज तो करेंगे ही आगे जाके, तो लेकिन ये आपका पी के अंदर जो है आपका यूज होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें साइज में चेंज करना है। ये आपके टेक्स्ट के साइज को, जैसे पहले तो आप H1, H2, H3 हेडिंग के थ्रू यूज कर रहे थे, लेकिन अब आप जो है वेरिएबल साइज अपने आप जो है जितना भी साइज रखना है उसका आप दे सकते हैं। जैसे कि आपको साइज देना है फॉन्ट का साइज 18 पिक्सल, आप PX में ही इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फैमिली। फैमिली का मतलब होता है कैलीग्राफी, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, आप इसमें टाइप में लिखते हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैलीग्राफीज होती हैं जो आप यूज़ करते हो। तो आप अगर यहाँ पर आपको किसी पर्टिकुलर लाइन में इस आपको फॉर एग्जांपल फैमिली देनी है तो आप लिखोगे पी स्टाइल डबल इन्वर्टेड कॉमा फॉन्ट फैमिली और उसमें आप यूज़ करोगे टाइम्स न्यू रोमन। एक करेक्शन करना चाहूँगा मैं फोर्थ वीडियो में, थैंक्स एकाग्रता जो उसने मुझे बताया। मैंने एक जगह ये बोला था कि बोल्ड इटैलिक्स और अंडरलाइन जो हैं वो आपके एम्प्टी टैग हैं। नो, इट्स नॉट एन एम्प्टी टैग, इट्स अ कंटेनर टैग। हमेशा याद रखिएगा, कंटेनर टैग हैं बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन। तो चलिए थ्योरी पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ, चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं अपने प्रोग्रामिंग पार्ट को। हम लिखेंगे HTML, हेड, टाइटल में लिखेंगे स्टाइल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी BG कलर हम ले लेंगे ग्रीन। अब यहाँ से हम लेंगे P टैग, इसमें लेंगे स्टाइल इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, हम लेंगे कलर डबल डॉट, यहाँ पर हम ले लेंगे रेड। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक सेमी कोलन, ज़रूरी है ये बेटा, सिंटेक्स है ये। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करा और इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पर जो भी टेक्स्ट देना है आपको, जैसे माय नेम इज मोही, और मैंने क्या करा, पी टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब मैं दूसरा लूँगा, पी स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लूँगा फॉन्ट FONT, डैश जरूर लगाना है, फॉन्ट साइज और डबल डॉट, आप कुछ भी ले लो, मैं ले लूँगा जैसे 50px, और यहाँ पर मैंने इसको बंद करा, और बंद करने के बाद मैं डबल डॉट ये इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करूँगा, इसको बंद कर दूँगा। अब यहाँ पर लिखूँगा माई नेम इज मोही, सेम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल पता चल सके। अब आप
इसमें एक और चीज ले सकते हैं, पी स्टाइल इज इक्वल टू, आप इसमें ले लो फॉन्ट फैमिली। इस तरीके से आपने ले लिया ये फैमिली, इसको क्लोज कर दिया। पहले रुकिए, आप फॉन्ट फैमिली में डॉट लगाएंगे, डॉट लगा के आप लिखो टाइम्स न्यू रोमन। कोई सा भी ले सकते हो आप, एरियल ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। आपको अगर नाम याद है तो आप कोई सी भी कैलीग्राफी ले सकते हो। टाइम्स न्यू रोमन मैं लूँगा, इसको बंद, इसको मैं डॉट लगाऊंगा, फिर ये बंद करूँगा सेमी कोलन लगा कर, और फिर इसको बंद कर दूंगा। और यहाँ भी लिखूँगा माई नेम इज मोही, और मैं यहाँ पी को क्लोज कर दूंगा। एक चीज़ और, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सारे जितने भी हैं अलग अलग लाइन में देखे, तो यहाँ पर एक नया टैग मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेक लाइन टैग होता है इसे हम, ये एम्प्टी टैग होता है, आप हर जगह लिख सकते हो बी आर। आप बी आर टैग लिखोगे तो एक स्पेस आपको शो हो जाएगी, यहाँ पर भी आप लिख दो बी आर, तो इससे आपको स्पेस शो हो जाएगी, ये अलग अलग लाइन में दिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम बंद करते हैं अपने HTML टैग को, बॉडी टैग को, बॉडी टैग को हमने क्लोज किया, यहाँ पर हमने क्लोज किया HTML टैग को, और अब हम जाके इसको सेव करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप दोनों फॉर्म में सेव करा करो, सेव एज में जाया करो, आप गए YouTube में, अपने मैंने जो YouTube फाइल बना रखी है, आप प्लीज़ एक फोल्डर ज़रूर बना लीजिए। एक तो आप इसको नाम दे दीजिए स्टाइल, एक टेक्स्ट फॉर्म में भी सेव कर लीजिए, ताकि अगर कोई एडिटिंग हो तो बार बार आपको कोड ना लिखना पड़े। फिर से जाइए फाइल में, सेव एज पे जाइए, फिर आप जाइए नीचे यूट्यूब फाइल में, मैंने जैसे फोल्डर बना रखा है, अब मैं यहाँ लिखूँगा स्टाइल डॉट html, और इसको मैं ऑल कर दूँगा, और इसको मैं सेव कर दूँगा। चलिए चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ, और पहुँचते हैं अपने फोल्डर पर, देखते हैं हम कि क्या हम लोगों ने बनाया है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। YouTube फाइल में आ गए, style.html ये है, इसको क्लिक करा, और ये देखिए आप अलग अलग स्टाइल में, देखिए माई नेम इज़ मोही रेड, आपने साइज़ बढ़ा दिया था, बढ़ गया, और आप देखिए ये टाइम्स न्यू रोमन में आपको मिल गया। तो इस तरीके से आप जो है अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, ये देखिए अब मैं यहीं पर एक ही जगह, ये देखिए अब मैं एक ही लाइन में यूज़ करूँगा फॉन्ट साइज, ये चेंजेस कर रहा हूँ मैं, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 80 पिक्सल। अगर एक साथ यूज़ करना है तो बस सेमी कॉलन लगाते जाओ। अब यहीं पर मैं लिखूँगा फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली डबल डॉट, इसमें लिखूँगा एरियल, और यहाँ पर भी एक कॉलन लगा के इसको बंद कर दूंगा। अब देखिएगा क्या चेंज आएगा, सेव एज में जाएंगे, सेव एज में जाने के बाद यूट्यूब फाइल में जाएंगे, यहाँ पर मैं सेव करूँगा आपका स्टाइल टू, स्टाइल थ्री ले रहा हूँ, चलो स्टाइल थ्री डॉट html, ऑल करके इसको सेव करेंगे। सेव पे क्लिक किया, अब मैं जब वापस यहाँ पर आऊँगा स्टाइल थ्री वाली फाइल को खोलूँगा, तो आप देखिए एक ही बार में सब चेंजेस आ गए। तो आप एक लाइन में भी इस टैग को यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है आप अलग 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 यूज़ करें। तो इसी तरीके से आप अपना प्रोग्राम बनाइए, हमको आप स्क्रीनशॉट भेजिए, हम आपका नेक्स्ट वीडियो में उस अगर अच्छा लगेगा तो उसको डिस्प्ले करेंगे। जब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।